भी हो गया है, तो इसका रेट भी देखते हैं एक बार। ये देख सकते हैं 1.6 लाख है? और ये ऑलरेडी बिक्री हो चुका है, पता नहीं किसने खरीदा है लेकिन हेलो। और ये देखिए किसको मिल गया अभी। और नो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू नेक्स्ट ब्लॉग ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब फिलहाल मैं हॉर्नबिल फेस्टिवल में अभी पहुंच गया हूं, और ये मेरा पार्ट 2 नंबर होगा क्योंकि 1 नंबर वाला मैं पार्ट बना चुका हूं। मैं कैसे आया हूं, सो अभी यहां पे एंटर से यहां से अभी अंदर जाऊंगा, तो चलिए अंदर चलते हैं और क्या क्या देखते हैं। पहले शायद अभी कुछ प्रोग्राम चल रहा है तो वो देखते हैं, उसका बाद इस वीडियो में जितना हो सके पूरा कवर करेंगे, नहीं तो पार्ट बाय पार्ट रखेंगे क्योंकि पूरा ये बहुत बड़ा है फेस्टिवल, तो एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा, तो जाने के बाद इसको पार्ट पार्ट में बनाते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं इसका अंदर पे। तो गाइस अभी आप लोग यहाँ पे बहुत आदमी शायद इधर से एंट्री करेंगे क्या, नहीं इधर से चला जाएंगे अभी। और अभी पहुँच गया हूँ, कुछ प्रोग्राम शायद यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है अभी। हाँ सर, रुकुन प्राइस बस है, चिकेसन 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 प्राइस बस है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये चिकेसन प्राइस बोले अभी। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है, ये जो ट्रेडिशनल जो ड्रेस है काफ़ी सुंदर है। हाँ ब्रो, कौन सा मतलब कौन सा ट्राइब है आप लोग का? जिलिंग ट्राइब्स। तो अभी इन लोगों के साथ भी एक बार फोटो खिंचाते हैं, तो इसी ड्रेस में एक बार फोटो खींचने गाइस। स्टेट तो एक ही है लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मतलब देखने से अभी फ़ोन में तो शायद इतना वीडियो में पालूम नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे ड्रेस का सबका अलग अलग यूनिक यूनिक एक ड्रेस है, सबका एक यूनिक है, देखने में एक सेम लगे, कलरिंग सब सेम है लेकिन वहाँ पे एक यूनिकनेस है। जैसे यहाँ पे गारो वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ड्रेस ऐसा है, और यहाँ पे आप लोग का जेलिंग वाला ड्रेस आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा है। यहाँ पे शायद रात को प्रोग्राम होगा, तो रात को प्रोग्राम हम देखेंगे। आज आया हूँ तो बार बार तो नहीं आ सकते, तो पूरा प्रोग्राम देख के ही कल जाएंगे, आज यहाँ पे रुकेंगे, स्टे करेंगे, देखेंगे कहाँ पे रुकेंगे। तो चलिए एक बार ट्राइब का जो घर का ट्राइब लोग वहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस यहाँ पे अभी जब पहुँचा हूँ, यहाँ पे जेलिंग ट्राइब से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अंदर जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं। और आपका नाम क्या है? टाइटस। टाइटस, टाइटस ना, तो ये जेलिंग्स ट्राइब्स है ना घर जो है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जेलिंग ट्राइब्स, और ये हाउस हम लोग का इस टाइप में रहता है, ये रहा उसका अंदर। और ये सब बम्बू से बनाया गया है, जो खेती करने वाला जो खेती करता है जिससे, ये सब लकड़ी से बनाया गया अभी। और यहाँ पे शायद एक घोसला टाइप में बनाया गया है। और गाइस अभी पहुँच गया हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कुकी टाइप, कुकी लोग का घर का स्टाइल ये है। और अभी जाएंगे अंदर पे, देखते हैं क्या क्या है। आप लोगों का कुकी का ड्रेस है ना? हाय, की नाम है आप लोगों का? चीचिंग से। चीचिंग ना। और ये कुकी ट्राइब्स का ड्रेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो ये हम लोग का घर का जो स्टाइल है इसी में, और ये सब हैंडमेड है, ये सब बता सकते आप लोग हैंडमेड है सब, जो बम्बो से जो लोकल जो यहाँ का वाइन है, वाइन हर ट्राइब में आप लोग देख सकते हैं, वाइन तो रहता ही है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किचन। चलिए गाइस और आगे चलते हैं, सबका घर दिखाएंगे कैसा है, आप कुकी का घर भी देख ले, कुकी ट्राइब्स का घर। और ये इन लोग का ये ट्रेडिशनल जो ड्रेस है, ये ड्रेस है इन लोग का। अभी इससे आगे चलेंगे, अभी यहाँ पे सब अलग अलग जगह में हर टाइप में अलग अलग कुछ कुछ ना कुछ होते रहते, एक्टिविटी होते रहते हैं। तो यहाँ पे गाना शायद अभी ये कुछ डिफेंस वाला ने शायद गाना का प्रोग्राम अभी कर रहा है। देख सकते हैं हॉर्नबिल नागा विलेज, जो नागा लोग का एक घर कैसे होता है, एक गांव कैसे होता है, उसी को यहाँ पे दक्षिण दिखाया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे है आपका कुछ बेकरी टाइप है, वहाँ स्नैक्स जो बार हैं यहाँ पे, और ये शायद बाफेलो का हेड होगा। और ये हो गया नागा चुक्का, क्या होगा इसमें चलिए देखते हैं एक बार। ये सारे
एनिमल्स का क्या बना, एनिमल्स का खोपड़ी है सब स्कल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या का चमड़ा है, स्कल स्किन, ये शायद बंदर का हेड हो सकता है, ये शायद मंकी का होगा ना। इसका अंदर जा सकता है कि नहीं दिखाता है एक बार, आप देख सकते हैं गाइस ये सब सब जो ये पोर्ट है पोस्ट सुखा के जो नागा लोग का कैसे रखता है ये दिखाया गया है यहाँ पे। और ये शायद ईल फिश होगा और इस टाइप में होता है नागा लोग का। और यहाँ पे सब देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस अभी आंगामी का जो घर है वो आया हुआ आंगामी ट्राइब का, तो अभी अंदर देखते हैं एक बार। और अभी आंगामी का किचन दिखाते हैं आप लोगों को एक बार। अभी ये कौन सा टाइप है गाइस देखते हैं एक बार। और हम लोग देख सकते हैं चकेशन ट्राइब का इस टाइप में होता है यहाँ पे। यहाँ पे ये पुचरी मुरुंग का जो ट्राइब से ये है डांस चल रहा है यहाँ पे गेट का बाहर पे। तो चलिए उन लोग का घर का अंदर कैसे होता है देखते हैं एक बार। देख सकते हैं उसका हाउस जो है घर ये है, तो अंदर चलते हैं एक बार। और ये है इस टाइप में होता है आप लोग देख सकते हैं। ट्रेडिशनल जो कपड़ा है ये जो इन लोग का ये ट्रेडिशनल जो हथियार जो है इस वही है। और ये जो यहाँ का यही है जो इन लोग का ट्रेडिशनल जो वाइन लगता है वही है। और ये जो है नागा दाव बोलते हैं इसको। और देख सकते हैं यहाँ का जो ज्वेलरी जो है इन लोग का जो कान में लगाने वाला या ज्वेलरी जो है उन लोग का सब ये यही है। तो गाइस घूमते घूमते अभी भूख लग गया पर एनर्जी भी ख़त्म हो चुका है, तो अभी यहाँ पे अनलिमिटेड खाना जो है ठीक ना 310 में कितना था 310 में अनलिमिटेड खा सकते हैं। अभी खाना लंच करते हैं उसका बाद लंच, तो अभी लंच करते 3 बजे लंच करेंगे अभी। तो गाइस ये ले लिए इसमें साथ मतलब पोर्क भी है, 2 पीस मिलेगा पोर्क का। और नॉर्थ ईस्ट में कहीं में भी आप जाए फेस्टिवल ये पोर्क जो एक नंबर मतलब एक नंबर पे ही रहेगा। अभी खाते खाने के बाद फिर से मिलते हैं। मेरे एनर्जी देखिए ना एनर्जी पूरा ख़त्म हो चुका है भूख से, तो खा लेते हैं गाइस। और गाइस अभी खाना हो गया उसका बाद हाथ धुलाने वाला एक सिस्टम देखें आप लोग देख सकते हैं, बहुत यूनिक सा है इस टाइप में होता है। और देख सकते हैं यहाँ पर पानी कहाँ से आता है यहाँ पर ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल तरीका है ना, कोई प्लास्टिक का यूज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी कहाँ से आ रहा है वही समझ में नहीं आ रहा, कैसे भी नहीं आ रहा इधर से मतलब वो लोग डालते रहते हैं। अच्छा। डाल के फिर जब ख़त्म हो जाता है फिर डालते हैं। तो गाइस देखिए बहुत यूनिक चीज़ देखने मिल रहा है यहाँ पे। तो इससे आगे ऊपर चलते हैं। तो गाइस चलिए ऊपर चलते हैं, अभी खाना हो गया अभी बिंदास रह सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नागा हेरिटेज विलेज। ये कौन सा ट्राइब है और गाइस देख सकते हैं ये आउट ट्राइब्स का लोग। नाइस टू मीट यू, हेलो एवरीवन, योर नाइस नेम, माय स्वीट नेम इज नमसर। ओह अच्छा, आओ ना। या ओके थैंक यू। और ये आओ का आप लोग देख सकते हैं ये हो गया आओ का।
बाहर पे शायद इस टाइप नहीं होता है। अभी कहाँ ऊपर तो ऊपर पे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं अभी हम जो बोले थे जो ट्राइब्स नहीं है बोला था जो एटेन ने मतलब इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए हैं उन लोगों का ट्राइब से ये फोम ट्राइब अभी नहीं आया पूरा इसमें कोई आदमी है नहीं भी फिलहाल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा खाली है ना और बाकी तो ये नीचे में भी दिखा दिया ना समतांग वाला नहीं आए हैं इसे आगे देखते हैं एक बार और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सब ट्रेडिशनल हाथ हैंडमेड सामान मिलेगा यहाँ पे देखते ना लेडीज के हैंडमेड और यहाँ पे कुछ बनाया जा रहा है अभी बहुत मज़ा आ रहा है गाइस मतलब इतना क्या बताएं बहुत बस पैसा लेके आइए और खरीदते रहिएगा बहुत हाँ और देख सकते हैं हैंडमेड है ये सब ये क्या है कप है ना क्या है हाँ पिन होल्डर अच्छा अच्छा ये कलम उलम रख नहीं सकेंगे आप लोग 180 और यहाँ पे घर का जो खाने का फूड वूड का उसका है और ये हैंडमेड बफेलो बनाया गया है और ये रहा हॉर्नबिल जिसका ऊपर में फेस्टिवल चल रहा है ये क्या कश्मीरी कश्मीर सॉल्ट हेलो हम लोग तीन आए बैग में अरे हमारे दोस्त अपना ही जगह का आदमी मिल गया अभी फिलहाल ये मेरे खा दो सब अपना गांव का आदमी मिल गया अभी फिलहाल और नव जी को मिल गया और सब्सक्राइब करियो आरो सब्सक्राइब करो जरूर सब्सक्राइब लाइक कमेंट बे इसको नीचे नीचे दाम सही से कटे ना और ये जो अभी मामू जो है कुछ कुछ ले रहा है अभी ये लेकिन लोग का तो पूरा आदत ही रहता है कुछ लेने के लिए क्या ले रहे हैं मैं कड़ची ले रही हूँ क्या ले रहे हैं कड़ची कड़ची देख सकते हैं क्या हैंडमेड चूरी बेंबू से बनाया गया चूरी देख सकते हैं हैंडमेड चाय पीने वाला कप जिसे चाय पी सकते हैं हैंडमेड कप है ये गाइस अभी यहाँ पे जाएंगे हम लोग डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर सेकेंड वर्ल्ड वॉर म्यूजियम सुना गाइस मैं बोल ही नहीं पाया बोलने मतलब बोलने नहीं देता लड़की जब साथ में होता है ना बोलने के लिए खुद कमती चांस मिलता है बोलने के लिए नहीं देता है तो अभी यहाँ पे जाएंगे अभी क्या क्या देखते हैं एक बार चल रहा चाय चाय पीना है कॉफ़ी पीना है थोड़ा देर में पीते हैं अभी नहीं अभी रुक जाइए लेकिन गाइस यहाँ पे इतना जितना हो भी हो या खर्चा इतना ज़्यादा नहीं है बहुत कमती खर्चा है अब 300 में अनलिमिटेड खाना साथ में नॉन वेज का आइटम भी यहाँ पे क्या है देखते हैं अभी और ये रहा पूरा एक तो कलेक्शन देख सकते हैं आप लोग 10 पैसे का कलेक्शन ये सब आगे का 10 पैसे जो है और ये रहा 1-2 रुपये का कलेक्शन और यहाँ पे 5 रुपया 20 रुपया 30 रुपया ये 10 रुपये का कलेक्शन और गाइस आप लोग देख सकते हैं एक ही पेड़ को काट के ये बनाया गया हुआ है यूनिक सा पीस है यहाँ पे और सब सब आप लोग सब लकड़ी का है देख सकते हैं आप लोग और ये भी बड़ा एक तीर का जो काट के बनाया गया है तो गाइस आप लोग देख सकते हैं सब हाथों के कला हाथों में क्या नहीं हो सकता हर चीज हो सकता है आप लोग देख सकते हैं सब हाथों से किया गया है सब बिक्री करने के लिए रखा हुआ है ये इसका रेट देखते हैं अभी आपसे इसका रेट देखिए एक बार ये आप लोग देख सकते हैं
पास से जो 90,000 इसका रेट, ये क्या चीज़ है मुझे भी पता नहीं। और सबसे अजीब ये देखिए आप, हाँ तो ये कला, इसका रेट देख सकते हैं आप लोग 1,00,000 रुपये। इसका कला जो है, जो समझने वाला समझ जाएगा और इसको ख़रीदेगा भी, लेकिन मैं नहीं खरीद सकता हूँ इतना महंगा से। और एक चीज़ दिखाएं, इसका रेट देखते हैं, ये भी हाथों से क्या गया है, इसका है 60। ये कितना है ये देख सकते हैं, 60 या 80 है, 60,000। ये बिक्री हो चुका है और इसका ये बिक्री हो गया है, तो इसका रेट भी देखते हैं एक बार। ये देख सकते हैं 1.6 लाख है? और ये ऑलरेडी बिक्री हो चुका है, पता नहीं किसने ख़रीदा है, लेकिन बहुत पैसा होना पड़ेगा इसको ख़रीदने के लिए। नॉर्मल आदमी के लिए अमीर वाला अमीर होना पड़ेगा उसको ख़रीदने के लिए। और चलिए गाइस, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं सामान। ये आर्ट है, हाथ से जो किया गया है, सॉरी। इसका दाम कितना है ये देख सकते हैं, 35,000 जो हाथ से, बहुत लपचिक चीज़ है, लपचिक। और ये देख सकते हैं आप, और इसका 15,000 इसका रेट है। गाइस चीज़ बढ़िया है, एकदम लपचिक चीज़ है, लेकिन इसको ख़रीदने के लिए पूरा अमीर होना पड़ेगा। हमें वही सोच रहा था कि फ़ोटो निकाल के प्रिंट आउट करके निकाल के दी, काफ़ी हद तक ओरिजिनल जैसा लग रहा है। और ये पूर्वज का एक नागा का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, इसको भी आर्ट किया गया है, आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि फ़ोटो है लेकिन आर्ट किया गया है। इसका रेट 30,000, आप लोग देख सकते हैं। नागा लोग इस टाइप से आगे में बाल काटता था, मतलब पहले ज़माने में, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी मॉडर्न ज़माना हो गया, अभी बहुत अलग हो चुका है। तो अभी और बाहर चलते हैं। और गाइस अभी जा रहे हैं विंटेज कार, जो म्यूजियम वर्ल्ड वार में यूज़ हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो अभी वो कार दिखाते हैं आप लोगों को, विंटेज कार। ये रहा, यहाँ पे कुछ लिखा गया नहीं है कौन सा कार है ये, लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे विंटेज कार है। काफ़ी ख़तरनाक हुआ करता था उस ज़माने में, जिस टाइम वर्ल्ड वार चलता था, तो वर्ल्ड वार 2 का ही है, देख सकते हैं अभी भी कोई एक शायद रनिंग कंडीशन में है ऐसा सुना था, अभी पता नहीं कौन सा है, आप लोग देख सकते हैं। और ये रहा सबसे पसंद वाला मेरा गाड़ी, ये रहा, बहुत मज़ा आया गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे 2024238। और ये रहा था, और अपने खान चला दी नहीं के, हाँ भाव आ ना यहाँ पे लेकिन बहुत सुंदर ये वाला गाड़ी जो है, बहुत सुंदर है। और ये रहा एक, और एक सबका अलग अलग है नाम, ये USA 202 कुछ है नाम, ये हमको नहीं पता इसके बारे में, तो देख सकते हैं आप लोग। और ये शायद डिफेंडर होगा, हाँ रेंज रोवर डिफेंडर, देखिए पता था ये रेंज रोवर, ये रेंज रोवर का था उस टाइम में। तो गाइस अभी चलते हैं दूसरा जगह पे, अभी उसका हाँ ये रेंज रोवर है, मैंने बहुत मतलब लग रहा था वो जिप्सी होगा, और ये भी जिप्सी होगा। अभी भी शायद मुझे लग रहा है कि पेंट किया गया है जैसा लग रहा है, लेकिन ये तो पेंट किया गया है ना, पेंट किया गया, नया बना के रखने के लिए तो पेंट, हाँ पेंट पर किया गया है। उसका टायर भी चेंज करा गया है, क्योंकि इतना टायर अच्छा नया हो रहा है, वो तो ना उसका टायर हो ही नहीं सकता ये। तो और चलते हैं अभी और दूसरा वाला में, और एक आगे पे है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी पूरा मतलब ठंडा महसूस हो रहा है, और उधर में आपको पूरा धूप गिरा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा पता नहीं, मतलब मोबाइल पे तो नहीं आ रहा है, यहाँ से दिखाई दे रहा है, और वहाँ पे पूरा धूप नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं अभी भी पूरा धूप है। और यहाँ पे अभी ठंड बढ़ते जा रहा है, आपको ठंडा जैकेट वगैरह तो लेके आए आप, इतना ठंड क्यों लग रहा पता नहीं, लेकिन हम इतना नहीं सोच रहा था जितना ठंड लग रहा है अभी, और एक हुडी पहन के आए अभी। एक्चुअली क्या होगा ना गाइस, ये पहाड़ी इलाका है ना ज़्यादा, तो घूमते घूमते थक गया पूरा, पाँव भी दर्द होने लग गया अभी, और अभी खाना खा दिया तो अभी नींद आने शुरू हो गया है। आप हर जगह में आपको खाना 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 ही दिखाई देगा, और ट्रेडिशनल फूड आपको हर जगह में दिखाई देगा। तो अभी चलते हैं सीधा बाहर पे, देखते हैं नाइट का जो प्रोग्राम अभी कितना बजे से होगा, उसका डिटेल्स ले लेंगे, उसके बाद सीधा मिलते हैं नाइट को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हर कोई बैठ के, सब बैठ के यहाँ पे होगा जब प्रोग्राम, सब देखेगा यहाँ से बैठ के प्रोग्राम देखेगा। तो गाइस अभी वेट कर रहे हैं हम भी,
सब रेडी हो रहा है सर। टाइम कितना होगा उसका हमको परफेक्ट डिटेल्स मालूम नहीं है, तो होने का बाद मालूम चलेगा। तो रात का कितना बजे तक होगा, जितना बजे तक होगा उतना बजे तक देख के ही ख़त्म करके जाएंगे, क्योंकि बहुत साल का बाद पहली बार आया हूँ, उसका बाद देखते हैं क्या होता है। तो गाइस अभी शाम का 6 बज चुके हैं, तो थोड़ा सा आलसीपन को ख़त्म करने के लिए अभी खाने जा रहे हैं, मतलब पीने जा रहे हैं कॉफ़ी। देखते हैं यहाँ पे अभी ऊपर पे है, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे, लेकिन रात को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है, तो अभी यहाँ पे कॉफ़ी खाने का बाद फिर से जाऊँगा वहाँ पे। सो गाइस अभी कॉफ़ी ऑर्डर दे दिए, अभी कॉफ़ी आएंगे तो खाएंगे। और लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ, रेट कुछ ज़्यादा हो गया। ज़्यादा नहीं नहीं बहुत ज़्यादा है। जहाँ हम लोग को एक कॉफ़ी का है 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ में मिल जाता है, यहाँ पे 140 रुपये कॉफ़ी का। और देखते हैं अभी कॉफ़ी आने वाला है, देख कैसा है देखते हैं। और आ गए अभी, देखते हैं कैसा है। और अभी देखिए, अभी गाइस अभी कॉफ़ी दिखाते आप लोग देखो। तो अभी खाते हैं उसका बाद मिलते हैं फिर। तो गाइस वीडियो यही ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए भाई मेरा आवाज़ भी पूरा दब चुका है, इतना चिल्लाया है ना, मेरा आवाज़ भी मतलब पूरा दब चुका है, अभी आवाज़ भी नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं कभी और एक नया ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।